नमस्कारम। नमस्कारम। इतने सालों से स्पॉट पब्लिश हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार मैं आपको कुछ इतनी देर से भेज रहा हूँ। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा है और अभी अभी ट्रिपल आए यानी टेनेसी आश्रम वापस आया हूँ। बहुत सी चीज़ें हुई, ख़ास तौर पर फिलाडेल्फिया का कार्यक्रम। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर शहरों में इतने बड़े हॉल नहीं हैं जहाँ हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें, क्योंकि जानने की इच्छा और आध्यात्मिक प्यास में ज़बरदस्त उछाल आया है। हर जगह इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा लोग भीतरी खुशहाली के गैर धार्मिक और गैर सांप्रदायिक तरीके में रुचि ले रहे हैं। ये तरीका अब जोर पकड़ रहा है। बहुत से प्रमुख लोग भी इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं और कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से मैं भारत की खबरों को कम ही सुन पाया हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मेरे ध्यान में आई हैं और साथ ही यहां की कुछ परिस्थितियां, मेरा मतलब राजनीतिक परिस्थितियों से है। अगर आप पिछले साल में हुई कुछ घटनाओं को देखते हैं तो दुनिया भर में कुछ ऐसी परेशान करने वाली चीजें शुरू हुई हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भ्रष्ट करने से जुड़ी हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है और ये जिस तरह भ्रष्ट हो रही है, ये मौलिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र एक सक्रिय प्रक्रिया है। लोकतंत्र के प्रमुख पहलुओं में से एक ये है कि सत्ता में परिवर्तन के वक्त किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होता। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इस धरती की मानवीय सभ्यता में एक जबरदस्त विकास है कि एक व्यक्ति सत्ता छोड़ देता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से दूसरे को सौंप देता है, वो भी लड़ाई के बिना, बिना किसी हत्या के, बल्कि लोगों की इच्छा से। लेकिन भारत में कुछ परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं, ये हर जगह हो रहा है, लेकिन अब ये बात स्वीकार करने की हदों से परे चली गई है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भ्रष्ट की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, एनालिटिक्स या विश्लेषण कंपनियों को शामिल किया जा रहा है जो बता रही हैं कि कैसे, ये केवल अंक गणित का सवाल है, कोई नीति नहीं, न ही कोई विचारधारा, न ही कोई दूरदृष्टि, केवल एक विशेष क्षेत्र की जनसंख्या से जुड़े अंक गणित को संभालने का प्रश्न। इस नजरिए से मुझे लगता है कि भारत पिछड़ रहा है। मैंने कुछ चिंताजनक वीडियो देखे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर नकली वोटर आईडी बनते दिखाए गए हैं। लोग केलों में पैसे भरकर बांट रहे हैं, वो छिलके से केला निकालकर पैसे भरकर लोगों को बांट रहे हैं। अपराधी और स्मगलर उस पार सामान भेजने के लिए ऐसा किया करते थे। अगर राजनीतिक नेता ऐसा काम करने लगे, मैं जानता हूं हर कोई चुनाव जीतना चाहता है, मैं ये समझता हूं, और पार्टियों में जबरदस्त टक्कर है, वो भी ठीक है, पर ऐसे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया खुद का एक अपराध बन रही है। अगर ये बड़े स्तर पर फैल जाता है तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, हमें खरीदा और बेचा जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि भारत में, भारत के सभी लोग कृपया इसके खिलाफ खड़े होइए और सुनिश्चित कीजिए कि जो लोग इस तरह की चीजों में शामिल होते हैं वो जीत ना पाए और उन्हें सजा भी दी जाए, क्योंकि ये एक अपराध है। दुनिया भर में लोग लोकतांत्रिक प्रणालियों के भ्रष्ट होने की शिकायत कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत से लोग गुस्सा हो रहे हैं। ब्रेक्सिट वोट में बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसे करने का तरीका गलत था। ये बहुत जरूरी है कि आम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना विश्वास बरकरार रखें। अगर वो विश्वास टूट जाता है तो हम एक बार फिर खून खराबे के दिनों में वापस आ जाएंगे। So it's my sincere request to every political party and the citizens, wherever you are, particularly right now in India, that you ensure that you don't become a part of this corrupting of democratic process. तो मेरा हर राजनीतिक दल और नागरिक से अनुरोध है, आप सुनिश्चित करें कि आप लोकतंत्र को भ्रष्ट करने वाली इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया भ्रष्ट हुई तो हम अपने सबसे बड़े विशेष अधिकार से हाथ धो बैठेंगे। अगर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह भ्रष्ट होने देते हैं तो हम आम लोगों का अब तक का सबसे बड़ा विशेष अधिकार खोने दे रहे हैं।
कृपया आप सभी इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर चलें, लिखें, अपनी राय व्यक्त करें, साफ बता दें और अगर जरूरत पड़े तो शिकायत दर्ज करें। जो भी आपको करना पड़े उसे करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है। अगर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भ्रष्ट करने में शामिल है तो हमें कार्यवाही करनी होगी, क्योंकि ये आम लोगों का विशेष अधिकार है। आप सभी से दिल से अनुरोध है कि लोकतंत्र कोई ऐसा खेल नहीं है जिसे हम बैठकर देखते रहें। हमें इसमें हिस्सा लेना होगा, सिर्फ वोट डालकर नहीं। अगर कुछ गलत किया जाता है तो इसे रिकॉर्ड करना होगा, इसे रिपोर्ट करने की जरूरत है, इसे सही अधिकारियों तक ले जाना होगा ताकि इस बारे में कार्रवाई की जा सके। आइए हम अपना बुनियादी, मौलिक और कमाल का विशेष अधिकार न छोड़ें, जिससे कि हम चुन सकते हैं कि दुनिया भर में हमारे राज्यों या हमारे राष्ट्रों पर कौन शासन करेगा। आइए इसे संभव बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।